हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय चैनल हेल्थ फूड ट्रैवल कैफे। फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे को हम टेस्ट के साथ थोड़ा सा लेजीनेस भी दिखाएंगे और इसीलिए हम बनाने वाले हैं लेजी स्टाइल की मटन। ये देखिए, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और साथ लुक भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इस लेजी मटन रेसिपी को। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इस लेजी मटन को बनाना। लेजी होने के लिए सारी चीजें भी आपकी लेजी तरीके से कटनी चाहिए। तो ये शुरू करते हैं हम थोड़ा सा लेजी वाला काम। इसे अनियन को भी हमने काफी बड़े बड़े में किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है और रेस्ट भी करना है, मुझे संडे है तो इसलिए ये सारी चीज आप लेजी तरीके से काटेंगे। और आपकी जो रेसिपी, ये थे हमारे लगभग 3 अनियन। अब 2 टमाटर, ये भी इसी तरह से कटेंगे। बस हो गया, 4 भागों में काटा और हमारा ये लेजी डे स्टार्ट हो गया है। इधर हमारा कुकर में तेल, अब कुकर हमारा गर्म हो रहा है, हम इसमें फिर डाल देंगे तेल। तेल भी हम बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि संडे को हम लेजी हैं तो हमें वो भी थोड़ा कम ही यूज करना है। ये जिंजर भी काट दिया मैंने काफी बड़े बड़े फॉर्म में और गार्लिक को तो हम काटेंगे ही नहीं। ये हमारा तेल अब गर्म हो रहा है, तेल चेक कर लेते हैं। ये जब हमारा थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ये 4-5 गोल मिर्च, ये 3-4 लौंग, 1 जावित्री, थोड़ा सा जायफल और इसमें दालचीनी, ये हमने डाल दिया। हमारा ये स्टर हो रहा है, इसके साथ इतना जीरा, ये आधा चम्मच लगभग, साबुत धनिया ये भी लगभग आधा छोटा चम्मच, सौंफ ये भी आधा छोटा चम्मच, 3-4 तेज पत्ता। और आपको चिली खाना है तो इसके साथ रेड चिली, इसे हम अच्छे से मिला देंगे। जैसे काफी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसके साथ ये अनियन, सारी चीजें हम फटाफट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है हमें इसमें। ये हो गया हमारा अनियन, थोड़ा सा इसे चला देंगे। इसी में ये हमारा टमाटर, ये रहा गार्लिक, ये हमारा जिंजर। और तीखा खाना है तो थोड़ा सा ये हमारा 4-5 हरी मिर्च। ये सारी चीजें जो मैंने लिया है ये हमें आधा किलो मटन के लिए चाहिए। इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर, हमारा ये मटन मसाला, नमक, नमक अपने टेस्ट अनुसार, और
और स्पाइसेस आपको थोड़ा डालना है तो वो आप अपने हिसाब से डाल दें। ये पड़ गई सारी चीजें इसमें, और इसके साथ हमारा ये मटन, मटन ये आधा किलो मैंने आपको बताया था, आधा किलो के हिसाब से हमारा था ये। दो बड़े टमाटर थे, तीन लगभग तीन मीडियम साइज अनियन थे, पांच छह खड़े गार्लिक थे, लगभग एक इंच हमारा अदरक था, लाल मिर्च, हरी मिर्च और मसालों में खड़े मसाले मैंने सारा इसमें डाल दिया। ये हमारा काम हो गया। इसे हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में घूमते फिरते आइए और आप 15-20 मिनट में इसे हल्का केवल पलट दीजिए, बस लेजी वाला काम शुरू। ये अपना काम करे, आप अपना काम कीजिए। ये हम इसे लगभग 20 मिनट बाद, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाया था, 20 मिनट बाद इसे थोड़ा सा हल्का चलाकर, ये देखिए अच्छे से गल रहा है। ये सारे जो भी मैंने प्याज टमाटर जो भी स्पाइसेस डाला था वो सारा अच्छे से इसमें मिल गया है। और अब हम इसे बंद करके इसी तरह से लो फ्लेम पर लगभग आधे घंटे तक फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। ये लगभग आधे घंटे तक मैंने इसे एकदम लो फ्लेम पर प्रेशर कुकर के पकाया है। अब ये देख लेते हैं कैसा है। ये देखिए कलर भी आ चुका है काफी अच्छा इसमें, और मैंने पानी का यूज नहीं किया है तो ये ड्राई बना हुआ है। तो है ना, ये लेजी वाली आपकी मटन, आपने मेहनत भी नहीं किया और आपको एक अच्छा टेस्ट खाने को मिल गया। इसके ऊपर हम डाल देंगे ये कोरिएंडर लीव्स और इसे मिलाकर आप इस मटन का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये लेजी वाली मटन रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें, और प्लीज़ उसके साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। गुड बाय।